तो आज मैं आपको इस बटन और रेगुलेटर के साथ कूलर की वायरिंग डायग्राम के साथ बताने वाला हूँ, जिससे कि आप इसको बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डायग्राम के अंदर दो मेन वायर लिए है जो कि करंट के होते हैं, एक पंप लिया है, एक मोटर लिया है और एक यहाँ पे रेगुलेटर लिया है और एक लिया है स्विच। तो यहाँ पे आप उसकी वायरिंग कैसे करनी है ये मैं यहाँ पे आपको बता लूँ। तो यहाँ पे कूलर के अंदर आपको चार वायर मिलते हैं, उसमें से जो रेड वायर होता है वो सबसे कम स्पीड का होता है, जिसको मैंने एक नंबर से मिलाया। उसके बाद वाइट कलर होता है, वाइट की जगह मैंने यहाँ पे येलो लिया, जिसको यहाँ पे मीडियम स्पीड होती है तो यहाँ पे मैंने इसको दो नंबर से मिलाया। उसके बाद जो ब्लैक होता है वो सबसे हाई स्पीड होती है तो यहाँ पे मैंने इसको तीन नंबर से मिलाया। आपके पास जो स्विच है उस पर एक दो तीन नंबर होगा, तो इस प्रकार से आपको मिलाना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो करंट का जो एक मेन वायर है उसको यहाँ पे लेके आपके पास जो बटन है जो कि पंप का बटन है उससे आपको मिलाना है, और एक जो आपको इसी का एक टुकड़ा ज्वाइन करके यहाँ पे दूसरा जो वायर है वो आपके पास जो रेगुलेटर है उसके अंदर L लिखा होगा उससे आपको मिलाना है। अब इसके बाद आपके पास जो बटन है उसका जो एक है वो एक हिस्सा रहता है, तो उसको यहाँ पे आपके पास जो पंप का एक वायर है उससे मिला देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके पास एक और जो फेज रहता है तो उस फेज को यहाँ पे सबसे पहले आपको लेके आना है, और ले आने के बाद यहाँ पे आपके पास पंप का एक वायर रहता है और एक कूलर का ब्लू कलर का वायर रहता है, तो सबसे पहले आपको ब्लू कलर का जो वायर है उसको यहाँ पे मिलाना है, और इसके बाद आपके पास जो पंप का वायर है जो कि एक वायर रहता है उससे मिलाना है, जिससे कि आपकी जो कूलर की वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।